ये बात है मेरी बचपन की। मेरे को फुटबॉल खेलना तो बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन एक दिन की बात है जब मैं अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में बैठकर फुटबॉल के साथ यूं ही खेल रहा था, तब मैंने फुटबॉल को अपने हाथ से थोड़ी दूर पर फेंका। जब मैंने ग्राउंड पे उस फुटबॉल को थोड़ी दूर पर फेंका, तब मैंने ये देखा कि फुटबॉल वहाँ तक चलती जा रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप रुक रही है। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि आखिर ये फुटबॉल अपने आप क्यों रुक जाती है? क्या इस फुटबॉल को कोई भूत रोक रहा है? ये सारे सवालों के जवाब लेकर मैं पहुंचा अपनी टीचर के पास। तो उन्होंने बताया कि इन सवालों का जवाब जानने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन और इन सभी सवालों के जवाबों का आंसर निकालते हैं। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एक बहुत ही छोटी इंट्रोडक्शन के साथ। क्या आपने कभी ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रक्स, गाड़ियां या फिर बाइसिकल्स को रुकते हुए देखा है? तो वो उन सब चीजों को रोकने के लिए क्या करते हैं, या फिर आप अपनी बाइसिकल को रोकने के लिए क्या करते हो? हम लोग ऑब्वियसली ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। अच्छा, और क्या आपने कभी एक चीज करी है कि आपने ग्राउंड पर कभी बॉल रोल होने के लिए छोड़ी हो, तो वो थोड़ी दूर तक तो बॉल आगे की तरफ जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है? तो ऐसा क्यों होता है? वो आगे तो जा रही है लेकिन फिर वो रुक क्यों रही है? वो आगे और क्यों नहीं जा रही? इन सब सवालों का जवाब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करी गई है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, यू विल ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। तो अभी आप लोग एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है जिसको आप परफॉर्म कर सकते हो। एक बुक लो और एक बुक को अपने टेबल के ऊपर जिस तरीके से इस आदमी ने फेंका है आगे की तरफ फेंको, थोड़ा स्लोली फेंकना। आप देखोगे कि कुछ ही दूरी पर वो बुक जाकर रुक जाती है। तो ऐसा क्यों? रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिटिंग इट्स मोशन? द फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जब हमने इस बुक को आगे की तरफ फेंका, तो फिर वहाँ पर जहाँ पर ये रुकी है आगे जाकर, वहीं से हमें फिर इसको पीछे की तरफ भी फेंक के देखते हैं। मतलब ये हमने पहले इसको राइट हैंड साइड में फेंका है, बुक को देख रहे हो राइट हैंड साइड में फेंका स्टूडेंट्स, फिर हमने जब ये राइट हैंड साइड पर जाकर रुक गई है, तब यहाँ से फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड पर इस बुक को फेंका है। अब यहाँ पर हमें यही बताया गया है बुक के अंदर कि क्या चीज़ है जो इस बुक को रोक रही है। ज़रूर कोई ना कोई फोर्स होगी। तो ये वाली कौन सी फोर्स है? तो ये जो फोर्स है इसका नाम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट। इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बुक। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स इन द अबव एक्टिविटी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बुक एंड द सर्फेस ऑफ द टेबल। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सर्फेस? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूदनेस ऑफ द सर्फेस? तो यहाँ पर हमें यही बताया गया है कि ये जो हमने फ्रिक्शन वाली एक्टिविटी ट्राई करी है, ये हमने ये देखा है कि जब हम लोग बुक को राइट हैंड साइड में फेंक रहे हैं, तब ये देखते हैं हम लोग कि जब राइट हैंड साइड फेंकी तब वो लेफ्ट साइड से फ्रिक्शन लग रहा है, और जब हमने लेफ्ट साइड से फेंकी तब राइट साइड से फ्रिक्शन लग रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक बुक। तो यहाँ पर हमारी बुक है, दिस इज आवर बुक, और यहाँ पर हो आप, ये हो आप। थोड़ी ड्राइंग खराब हो सकती है मेरी, बिकॉज आई एम रियली बैड एट ड्राइंग। तो ये हो आप। अब आपने इस बुक को किस डायरेक्शन में फेंकना है? आपको इस डायरेक्शन में फेंकना है, एज अकॉर्डिंग टू
NCERT, हमें क्या करना है, हमें इस बुक को इस डायरेक्शन में अपने हाथों से धक्का लगाना है, पुश करना है इस डायरेक्शन में। आपने इसको इस डायरेक्शन में पुश करा, किस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में। अब ये बुक थोड़ी देर तक तो आगे की तरफ गई, ये बुक थोड़ी देर तक तो आगे की तरफ गई, लेकिन यहाँ पर आकर ये बुक रुक गई। तो जो फोर्स इसे रोक रही है वो तो आपको पता है कि वो क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रही है, वो लग रही है इस डायरेक्शन में, क्योंकि आप बुक को इस साइड मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड मूव करने की कोशिश कर रहे हो, लेफ्ट में मूव कर रहे हो। लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या करने की कोशिश कर रही है, वो ये करने की कोशिश कर रही है कि वो बुक को राइट हैंड साइड में ले जाना चाह रही है, मतलब आपके बिल्कुल अपोजिट वर्क कर रही है वो। आप इस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो लेफ्ट में, वो कहाँ पर ले जाना चाह रही है, वो राइट में ले जाना चाह रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमारा इस छोटे से डायग्राम से थोड़ा सा डाउट क्लियर जरूर हुआ होगा। इसी के साथ साथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर फ्रिक्शन जो है इसको भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक सरफेस वाली बात भी बोली गई है। अब जैसा आपने देखा होगा कि जो गीला फर्श होता है, जब आपकी मम्मी घर पे गीला कर देती हैं फर्श, या फिर पोछा वगैरह लगा होता है, फिर धुलाई हुई होती है जिस फर्श की, उस फर्श पे जब आप वॉक करते हो तब आपके फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब आप फिसल सकते हो उसके ऊपर। और जब आप जब वही फ्लोर जिसके ऊपर आप वॉक करोगे, जब वो धुला हुआ नहीं है, या फिर जब उस पर पोछा नहीं लगा हुआ, तो आप बड़े ही आराम से वॉक कर लेते हो। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। पढ़ते हैं उन फैक्टर्स के बारे में। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर हमें क्या करना है, टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक इज जस्ट बिगनिंग टू मूव, इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेनी है और उसको क्या करना है, एक ब्रिक के आसपास ऐसे करके बांध देना है। और जब आप उस स्ट्रिंग को उस ब्रिक से बांध देंगे तो आपको उसको खींचना है। यहाँ पर ये तो लिखा है, यहाँ पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, तो इसको क्या करना है, पुल करना है आपको स्प्रिंग बैलेंस से। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, यहाँ पर हमें थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है अपनी तरफ, जब हम उसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ। नोट ऑन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, ये जो यहाँ पर मशीन लगाई गई है, इसके अंदर आपको चेक करना है कि क्या रीडिंग आई है, क्या ये बता रहा है अपने मीटर के अंदर। ये देख रहे हो आप, ये जो है स्प्रिंग बैलेंस, इसके अंदर आपको ये रीडिंग दे देता है, ये नंबर पे आपको दिखा देता है। जैसे आपके स्केल के अंदर नंबर होते हैं, इसी तरीके से इसके अंदर भी नंबर्स होते हैं। तो इसके अंदर जो रीडिंग आ रही है, जब आपने उसको ब्रिक को खींचना स्टार्ट करा तो वो कब से खींची है, तो उस वाली रीडिंग को आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, उसको लिख लेना है। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। तो ये आपको क्या बताती है, मतलब जितनी ताकत आपको लगी है उसको खींचने में, जितनी ताकत पे वो हिली है, वो आपको क्या बता रही है कि कितना फ्रिक्शन है ब्रिक के बीच में और फ्लोर के बीच में। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथिन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी, डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केस, व्हाट माइट बी द रीजन फॉर दैट डिफरेंस, रिपीट द एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट पैक अराउंड द ब्रिक, What do you observe? तो यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर हमने अभी तो प्लेन ब्रिक के ऊपर धागा बांधा था, अब हमने क्या करना है, इस ब्रिक को एक पॉली बैग के अंदर या पॉलीथीन के अंदर डाल देना है और उस पॉलीथीन को टाई कर लेना है, किससे, इस धागे से। डायरेक्टली ब्रिक पे टाई नहीं करना हमें धागा, अब एक पॉलीथीन पे टाई करना है और उस पॉलीथीन के अंदर जब ये ब्रिक है तब इसको खींचने की कोशिश करनी है और हमें रीडिंग अपनी नोट डाउन करनी है जो स्प्रिंग बैलेंस के अंदर आई है। और यही चीज़ हमें क्या करना है, एक जूट बैग ले सकते हो या फिर एक बोरा ले सकते हो आप लोग और उसके साथ भी ट्राई करनी है। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस डिवाइस क्या होता है, ये सारी एक्टिविटी ऑब्जर्व करनी है आपको। इसके बाद स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, फोर्स मेजर करता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है।
तो यहाँ पर कॉइल्ड स्प्रिंग होती है। दस अब इसके बाद हमें एक और एक्टिविटी बताई गई है। इस एक्टिविटी के अंदर ये बताया गया है, इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें सारी एक्टिविटीज़ रीड करनी है समझने के लिए। मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल। यू मे यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक और बुक। पुट अ मार्क विद पेन एट एनी पॉइंट ए और द इंक्लाइंड प्लेन। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम द पॉइंट। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। नोट डाउन द डिस्टेंस। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ Over the table, make sure that there are no wrinkles in the cloth. Try the activity again. तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है, यहाँ पर हमें बहुत सारी ऐसे बुक लगा देनी है लाइन से, और यहाँ पर एक बुक ऐसे टेढ़ी करके रखनी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। यहाँ से हमें एक सेल लेना है जो हम लोग घड़ी के अंदर लगाते हैं या फिर खिलौनों के अंदर सेल लगाते हैं, तो एक बड़े वाला सेल लेना है। उसको यहाँ से क्या करना है, नीचे की तरफ छोड़ना है। जब हम नीचे की तरफ छोड़ते हैं तब ये देखना है हमें कि वो सेल कितनी आगे तक जाता है, और हमें ये क्या करना है, यहाँ से लेकर जहाँ से हमने सेल को छोड़ा था और यहाँ तक जहाँ पर ये सेल पहुँचा है यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मार्क कर लेना है। अब इसी एक्सपेरिमेंट के साथ एक दूसरा भी एक्सपेरिमेंट करना है। हमें दोबारा इस सेल को छोड़ना है, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें एक जूट क्लॉथ ले लेना है। यहाँ पर यही कहा गया है, एक क्लॉथ लिया गया है, तो यहाँ पर हमने एक क्लॉथ ले लिया, एक क्लॉथ को बिछा दिया, कपड़े को बिछा दिया और फिर इसको ऊपर से छोड़ा, और अब हमें दोबारा मेजर करना है डिस्टेंस कहाँ से, जहाँ से हमने सेल को छोड़ा था मतलब मार्क ए से कहाँ तक ये सेल पहुँचा है। तो आपको इन दोनों में कहाँ पर लग रहा है, कहाँ तक, कौन से वाले केस में ज़्यादा ट्रैवल करा है सेल ने? आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि ए वाले केस में ज़्यादा ट्रैवल करा है सेल ने। तो ऐसा क्यों हुआ है? Repeat this activity by spreading a thin layer of sand over the table. Maintain the same slope throughout the activity. तो यही सारी चीज़ें, जैसे हमने यहाँ पर ये स्लोप रखा है, यहाँ पर ये स्लोप रखा है, अब हमें कपड़े की जगह क्या ले लेना है, हमें सैंड वगैरह ले लेना है। तो ये नेसेसरी नहीं है, अब हम लोग यहीं से समझ गए कि ये जो क्लॉथ पे है, क्लॉथ पे आधी ही जगह ट्रैवल कर पा रहा है और यहाँ पर कितनी आगे तक गया है जब हमने कोई भी क्लॉथ नहीं बिछाया था। In which case the distance covered is the मिनिमम। कौन से केस के अंदर सबसे कम डिस्टेंस कवर करा है इसने? बी वाले केस में करा है, आराम से आपको सबको दिख रहा है। व्हाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम? ट्राई टू रीजन व्हाई, डिस्कस द रिजल्ट। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे, हमसे ये पूछा गया है यहाँ पर कि जब हमने क्लॉथ को यूज करा तब इसने इतना डिस्टेंस कवर करा, जब हमने क्लॉथ को हटा दिया तब इतनी आगे तक गया, तो ऐसा क्यों हुआ? इस चीज का क्या सवाल का जवाब है? डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेस ऑन विच द सेल मूव्स? तो इस सवाल से एक तो हमें एक तो क्वेश्चन अराइज होता है कि जिसके ऊपर, जिस चीज के ऊपर सेल मूव कर रहा है, क्या वो चीज़ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? जैसे यहाँ पर अभी वुड के ऊपर मूव कर रहा था, अब यहाँ पर एक क्लॉथ के ऊपर मूव कर रहा है, तो ये क्या चीज़ कोई रोल प्ले करती है, समझते हैं हम लोग। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस ऑफ द सेल ऑल्सो इफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट? तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारा जो सेल है वो ऐसे गोल ना होने की जगह अगर स्क्वायर शेप का होता तो क्या आगे तक ट्रैवल कर पाता? नहीं कर पाता। अच्छा एक चीज इमेजिन करो, आप लोग जो गाड़ियों के टायर होते हैं, फिर आपकी बाइसिकल के टायर होते हैं, वो हमेशा गोल ही क्यों होते हैं? अगर वो स्क्वायर शेप में हो तो क्या वो मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो गोल शेप में इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्मूथ होते हैं, आसानी से गोल गोल घूम सकते हैं। स्क्वायर शेप में अगर आपका टायर लगा दिया तो आप घुमा ही नहीं पाओगे उसको। तो अब देखते हैं इसको और अच्छे से। फ्रिक्शन इज कॉज बाय द इररेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इवन दो सरफेस विच अपियर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इररेगुलरिटीज ऑन देम। इररेगुलरिटीज ऑन द बोथ सरफेस लॉक इन टू वन अनदर when we attempt to move any surface we have to apply a force to overcome interlocking on rough surfaces there are large number of irregularities so the force of friction is greater if a rough surface is involved। to yahan par kya hota hai dekho, yahan par simple baat hame ye batayi gayi hai ki ek cheez to is experiment se hame samajh mein aayi,
कि ये जो था ये कपड़ा था यहाँ पर ये स्मूथ नहीं था, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था इसका सरफेस कि आसानी से कोई चीज़ इससे फिसल सके या मूव कर सके। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि इररेगुलरिटीज, मतलब कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, तो इस वजह से जो सेल था उसे बड़ी मूव करने में दिक्कत हो रही थी। देख रहे हो आप कैसे ऊंचा नीचा हो सकता है सरफेस, तो इस वजह से सेल मूव नहीं कर पा रहा था क्लॉथ के ऊपर। लेकिन यहीं पर हमने वुड को लिया था तो वुड के ऊपर आराम से मूव कर पा रहा था। अब यहां से एक और हमें आंसर मिलता है कि क्या होता है कि जब सरफेस जो होता है, मतलब जो नीचे वाला एरिया है जहां पर ये चीज मूव कर रही है, कोई भी चीज मूव कर रही है, उसका सरफेस अगर रफ है तो क्या होगा, तो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा होगी। सिंपल बात ये है, मतलब इस चीज को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करके देख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों, यहां पर करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट एक बॉल के साथ। तो यहां पर दो जगहें हैं, एक तो ये है और एक जगह है ये, ठीक है, और ये है हमारी बॉल। अच्छा बॉल थोड़ी गोल बना देता हूं मैं। ओ टू मिनट्स, हाँ तो ये हमारी बॉल रेडी हो गई बच्चों। अब हमें इस बॉल को आगे की तरफ भेजना है, तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर करें कि कहां पर ज्यादा आगे तक जाएगी बॉल अगर आपने फोर्स अप्लाई करी तो, मतलब इस बॉल को पीछे से अगर आपने धक्का दिया तो कहां तक, कौन से वाले केस में ज्यादा आगे जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो फर्स्ट वाले का हम लोग नाम रख देते हैं केस ए, और सेकंड वाले का हम लोग नाम रख देते हैं केस बी। अब इन दोनों केसेस में आपको कहां पर लग रहा है, कहां पर बॉल ज्यादा आगे तक जाएगी, सोच सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, सोच कर देना है, समझ कर देना है। अच्छा ठीक है, तो यहां पर आई होप आप सबका आंसर सेम ही रहा होगा कि सर ज्यादा आगे तक तो बॉल हमें लगता है कि कौन से वाले केस में जाएगी। सर इस वाले केस में ज्यादा आगे तक जाएगी बॉल, और इस वाले केस में इतना ऊबड़ खाबड़ है ये कि सर यहां पर तो बॉल को बेचारी को नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहां पर यहां तक ही पहुंच पाएगी बॉल। तो हमारा केस ए होता है इसके अंदर विनर। तो यहां पर ज्यादा आगे तक बॉल क्यों ट्रैवल कर पाई थी, क्योंकि जो सरफेस था ये जो नीचे वाला एरिया यहां का बहुत स्मूथ था, और यहां पर देखो ये जो बॉल का सरफेस एरिया था यहां पर जहां पर इसको मूव करना था कितना ऊबड़ खाबड़ था केस बी के अंदर। केस ए के अंदर बहुत स्मूथ था, बहुत सरफेस एरिया बहुत अच्छा था, केस बी के अंदर बहुत ऊबड़ खाबड़ था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से बॉल की स्पीड क्या हुई थी, कम हुई थी, मतलब इररेगुलरिटीज, जो ये जो आपको ये ऊबड़ खाबड़ जगह दिख रही है दिस इज कॉल्ड इररेगुलरिटीज। इसको ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इररेगुलरिटीज फ्रिक्शन के केस में। तो ये बिल्कुल भी स्मूथ सरफेस नहीं है, और यहां पर क्या था, ये बिल्कुल स्मूथ था, चिकना था ये सरफेस। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं हम लोग। वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज इन द टू सरफेस। It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it. And when a person is sitting on it, recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. If you have no such experience, get the experience now. What is easier to move the box from rest or to move it when it is already in the motion? The force required to overcome friction at the instant an object starts moving from rest is a measure of static friction. On the other hand,
द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमें यही बताया गया है कि आपने कभी कभी बच्चों एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी होगी कि जैसे मैट है आपके घर में, जो मैट होता है उसके ऊपर मान लो कोई बैठा है और आपने तब उस मैट को खींचने की कोशिश करी, तो क्या आप उस मैट को खींच पाओगे? और अगर आप उसको खींचते भी हो तो क्या आप कितनी पावर से आप उसको खींच पाओगे? लेकिन जब उसके ऊपर कोई नहीं बैठा और तब आपने उस मैट को खींचने की कोशिश करी तो क्या आप उसको खींच पाओगे आसानी से? बिल्कुल खींच पाओगे आसानी से। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जो फ्रिक्शन है वो इंटरलॉक हो जाता है किसके साथ? जो हमारे अनइवन सरफेस होते हैं। तो ये हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। When the box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor. So the sliding friction is slightly smaller than the static friction and you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started. तो यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक बॉक्स लिया है हमने एग्जाम्पल के लिए, और एक बच्चा इस बॉक्स को क्या कर देता है? पुश करना स्टार्ट करता है, धक्का देना स्टार्ट कर देता है। तो अब जब बच्चा इस बॉक्स को धक्का दे रहा है, तो जब ये रेस्ट पर था बॉक्स, मतलब हिल डुल नहीं रहा था, और जब इसने धक्का देना स्टार्ट करा था, तो उसमें इसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, या फिर जब ये बॉक्स मूव कर रहा है तब इसने आके उसको पुश करने की कोशिश करी तब उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी? कौन से केस के अंदर एनर्जी ज़्यादा लगेगी, आपको क्या लगता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं एक्टिविटी परफॉर्म करके। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब ये बॉक्स मूव कर रहा है तब इस बच्चे ने उस बॉक्स को आकर धक्का देने की कोशिश करी, और ऑलरेडी जब ये बॉक्स मूव कर रहा है और फिर इस बच्चे ने और आके उसे धक्का दिया, तब उसको मूव करना आसान होगा, क्योंकि जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो उसके साथ लॉक नहीं होती जो बॉक्स की इरेगुलरिटीज़ होती हैं। इसी के साथ हमारा जब बॉक्स रेस्ट पर है, मतलब बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा ये बॉक्स, और तब इस बच्चे ने उस बॉक्स को हिलाने की कोशिश करी है, तब इसको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। फ्रिक्शन अननेसेसरी ईविल, यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन अननेसेसरी ईविल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, इज इट इजियर टू होल्ड अ कुल्हार अर्थन पॉट और अ कूलर सॉरी कूलर अर्थन पॉट और अ ग्लास टम्बलर? सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी और हैज अ फिल्म ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, वुड इट बिकम ईजियर और डिफिकल्ट टू होल्ड इट? जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देर इज नो फ्रिक्शन? रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इज टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर, कैन यू इमेजिन बींग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन? तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि एक जो कूलर है उसको उठाना, जिसके अंदर मतलब जो मिट्टी का बना हुआ होता है उसको उठाना थोड़ा सा इजी है, या फिर एक ग्लास टम्बलर को उठाना इजी है। ग्लास टम्बलर मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्टील वगैरह के टाइप का जो पानी भरने का हो गया, उसको आप समझ सकते हैं ग्लास टम्बलर। देख लेते हैं हम लोग ग्लास टम्बलर क्या होता है बच्चों। ग्लास टम्बलर, हाँ, जो आपका ग्लास का बना हुआ होता है, ये कुछ लोगों के घर में स्टील का भी होता है जिसमें हम लोग पानी भरते हैं। अच्छा, ये आप छोड़िए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसी का आसान, कि आपके घर में मतलब एक तो स्टील का पानी का मान लीजिए आप कुछ पकड़ने का, और एक मान लीजिए आप कूलर, तो इन दोनों में से उठाने में कौन सा ईजी होगा? ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि स्टील वाला सर ईजी होगा, उसके अंदर हैंडल वगैरह है। लेकिन यहीं पर स्टील वाली जो चीज़ है जिसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है, जिस स्टील के बर्तन के अंदर आपने पानी भरा हुआ है, उसको मैं पूरा ऑयल से कवर कर दूं या ग्रीस से कवर कर दूं, तो क्या उसको उठाना आसान होगा? उसको उठाना आसान नहीं होगा, उसको उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आपके हाथ से स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वाले केस में आप बोलेंगे सर कुल्लर ही ईजी था, कुल्लर ही उठा लेते हम लोग, तो अर्थन पॉट को ही उठा लेते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, और ये भी एक फ्रिक्शन का ही रोल है। अब आपने ये भी देखा होगा कि जब कभी कभी मम्मी पोछा लगा देती हैं तो फ्लोर पर वॉक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है हमें वॉक करने में। लेकिन जब वही फ्लोर सूख जाता है थोड़ी देर में पोछा लगाने के बाद, तब बहुत आसानी से हम लोग वॉक कर लेते हैं। तो ये क्या सब रीज़न होते हैं, ये पढ़ते हैं हम लोग। यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ देयर वॉज नो फ्रिक्शन। वेन योर टीचर इज राइटिंग विद चॉक ऑन
द ब्लैक बोर्ड इट्स रफ सरफेस रब्स ऑफ सम चॉक पार्टिकल्स विच स्टिक्स टू द ब्लैक बोर्ड. Could it happen if there were no friction between the chalk and the board? तो ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अगर friction नहीं होता तो हमें कितनी सारी problems face करनी पड़ती. अब friction की वजह से ही हम लोग walk कर पाते हैं. जब वही जो हमारा wet marble floor होता है, जब वही जगह गीली होती है, जब वही फर्श गीला होता है, तब उस पर हम लोग walk नहीं कर पाते. लेकिन जब वो सूख जाता है तो हम लोग friction की वजह से उस पर walk कर पाते हैं. आपने देखा होगा कि जब चौक से मैम लिखती हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो जो ब्लैक बोर्ड होता है वो थोड़ा सा अनइवन होता है उसका सरफेस, तो वो चौक क्या होती है, उससे घिसती है. चौक फ्रिक्शन क्रिएट होता है चौक के बीच में और ब्लैक बोर्ड के बीच में, इसी वजह से चौक से टीचर लिख पाती हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या टीचर लिख पाती ब्लैक बोर्ड के ऊपर? अरे मज़े ही आ जाते, तुम लोगों को तो पढ़ा ही नहीं पाती मैम, बल्ले बल्ले. तो फ्रिक्शन की वजह से ही तुम्हें पढ़ना भी पड़ता है. सोचो कितनी दिक्कत वाली बात है फ्रिक्शन. इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देर वर नो फ्रिक्शन. अगर सोचो फ्रिक्शन नहीं होता तो कितना फनी होता कि जो तुमने बॉल फेंकी थी ग्राउंड के ऊपर, जैसा मैंने बॉल फेंकी थी ग्राउंड के ऊपर, तो वो बॉल मूव करे ही जा रही है, आगे की तरफ जाए जा रही है, कोई चीज उसको रोक ही नहीं रही क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है इस दुनिया के अंदर. कितना सरप्राइजिंग होता, मतलब तुम कहीं पर मूव करना स्टार्ट करा तुमने, तो तुम मूव करे ही जा रहे हो, स्टॉप ही नहीं हो पा रहे हो. बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ हो जाती है अगर फ्रिक्शन ना होता तो. हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड, देयर कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. यू कुड नॉट फिक्स अ नेल इन द वॉल और टाई अ नॉट विदाउट फ्रिक्शन, नो बिल्डिंग्स could be constructed. तो फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब आपने कभी अगर टायर देखा हो कार्स वगैरह के, आपको दिखाता हूं मैं कि कार के जो टायर्स होते हैं उन पर आपने इस टाइप का पैटर्न नोटिस करा होगा बच्चों. ये हम लोग एक गाड़ी का देख रहे हैं, हम लोग एक कार का देख रहे हैं पूरा टायर. तो ये देखिए इस टाइप का आपने पैटर्न देखा होगा. तो ये जो पैटर्न है ये क्यों बना हुआ है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये फ्रिक्शन बनाने के लिए बना हुआ होता है. अगर ये टायर के ऊपर ये पैटर्न ना हो, किसी गाड़ी के टायर के ऊपर ऐसा पैटर्न ना हो और वो चिकना हो गया हो, तो ना ही वो गाड़ी रुकेगी, उस गाड़ी को रोकने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, उस गाड़ी को मोड़ने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और उस गाड़ी को ऑन करके चलाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी. तो ये जो आप पैटर्न्स बने हुए देखते हैं टायरों के ऊपर गाड़ियों के, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि यही फ्रिक्शन क्रिएट कर पाते हैं. ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन ईवल. और यहीं पर हमने बहुत सारी अच्छी चीजें पता चली हमें फ्रिक्शन के बारे में. वैसे एक जो पढ़ने वाली चीज थी वो अच्छी नहीं थी. काश ऐसा होता कि फ्रिक्शन ना होता तो मैम ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख ही नहीं पाती, वो चीज तो नहीं होनी चाहिए थी. लेकिन चलो कंटिन्यू करते हैं. ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन ईवल. अब हमें बताया जा रहा है कि फ्रिक्शन के बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी. इट वेयर्स आउट द मटेरियल whether they are screws, balls, bearing or soles of shoes. You must have seen worn out steps of foot over bridge at railway stations. Friction can also produce heat. Vigorously rub your palm together for a few minutes. What do you feel? When you strike a matchstick against the rough surface, it catches a fire. You might have observed that the jar of a मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट इज इन रन. तो यहाँ पर एक दो हमें एग्जांपल दिए गए हैं. आपने देखा होगा कि फ्रिक्शन के कुछ बहुत बड़े डिसबेनिफिट भी हैं. आपके पास अगर कोई बहुत ही प्यारे जूते या चप्पल होंगे, उनके नीचे आप देखेंगे कुछ टाइम बाद पहनने के बाद तो वो ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल स्मूथ टाइप हो जाते हैं. और इनसे बहुत ज़्यादा फिसलने का डर होता है, मतलब आप फिसल सकते हैं इनको पहनकर, क्योंकि इनके ऊपर अब कोई पैटर्न ही नहीं बचा. जब पैटर्न नहीं बचा, जैसे हम लोगों का ये जो टायर था, टायर का हमने देखा ना कि यहाँ पर पैटर्न है, ऐसे ही हमारे शूज़ और जो हमारी चप्पल हो गई, हमारी स्लीपर्स हो गई, इनके ऊपर भी पैटर्न बने हुए होते हैं. अगर ये पैटर्न नहीं होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो पाएगा और हम लोग स्लिप होना स्टार्ट कर देंगे. हमें मूव करने में भी दिक्कत होगी, रुकने में भी दिक्कत होगी. यही चीज़ शूज़ के साथ होती है. जब शूज़ ऐसे हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है और क्या हो जाता है कि कम्प्लीटली स्लिप करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है, फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करता है. इसका एक एग्जांपल है कि कभी आप स्कूल की प्रेयर में ऐसे ऐसे हाथ रब करके देखेंगे तो आपके हाथ गर्म होने लग जाते हैं.
ये देखो जहाँ पर ये बच्ची रब कर रही है अपने हाथ को, आप भी ऐसे ऐसे रब करके देखो तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाते हैं। तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हीट क्रिएट हो रही है। और जो माचिस होती है, माचिस के अंदर आपने देखा होगा कि हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे करके घिसना पड़ता है। जैसे ये बच्ची घिस रही है माचिस को, जैसे ही माचिस के अंदर आप मारते हैं तिल्ली, वैसे ही वो बर्न करना स्टार्ट कर देती है। तो वो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है किसके बीच में, एक मैच स्टिक के बीच में और मैच बॉक्स के वो जो साइड में बने होते हैं पैटर्न्स, उनके बीच में। अब एक और चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगी कि वो जो पैटर्न्स बने हुए होते हैं आपके मैच बॉक्स के साइड में, अगर वो भी स्मूथ हो जाएंगे, मतलब वो भी ऐसे नहीं रहेंगे, खुरदुरे नहीं रहेंगे, तो फ्रिक्शन वहाँ पर भी क्रिएट नहीं हो पाएगा। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसने क्या करा है, मैच स्टिक को जलाया है। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशंस। हैव यू इवन थॉट व्हाई द सोल्स ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड? इट इज डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट यू कैन मूव सेफली। सिमिलरली द ट्रीडिड tires of car, trucks and bulldozers provide better grip with the ground. तो अब आपने बहुत बारी देखा होगा कि जो बड़े बड़े tractors होते हैं, bulldozers होते हैं, उनके टायर इतने बड़े बड़े होते हैं और उनपे ऐसी ऐसी शेप होती है, लेकिन जो हमारी गाड़ियों के टायर होते हैं वो तो बड़े सिंपल से होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इन पे इतने बड़े बड़े शेप क्यों और बेचारी गाड़ियों पे इतने छोटे छोटे ये पैटर्न क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े हमारे बुलडोजर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, इनके जो टायर होते हैं उनको ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि बुलडोजर का वेट भी तो ज़्यादा है, उसको रोकने के लिए ज़्यादा पावर भी तो चाहिए, ज़्यादा फ्रिक्शन भी तो चाहिए। तो इस वजह से इन पे इतने बड़े बड़े पैटर्न्स होते हैं। और शूज़ वाली बात आपको बताई गई है, जैसा मैंने आपको बताया कि शूज़ के नीचे भी पैटर्न बने हुए होते हैं जिससे कि आपके शूज़ रुक पाएँ, फ्रिक्शन क्रिएट कर पाएँ। वी डेलिबरेटली increase friction by using brake pads in the brake system of a bicycle and automobiles. When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheel, but when you press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim due to friction the wheel stop moving. You might have seen that kabaddi players rub their hand with the soil for a better grip of their opponent. Gymnast apply some coarse substance on their hand to increase friction for better grip. In some situation, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. तो यहाँ पर आपको कुछ example दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके आपकी जो बाइसिकल हो गई या फिर जो ट्रैक्टर्स या फिर गाड़ियां हो गई, उन सबको रोकने के लिए ब्रेक का आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो वो ब्रेक क्या करते हैं, जो टायर्स होते हैं उनको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। जब वो टायर को स्टॉप करते हैं तो क्या होता है, जब टायर पे ऐसे पैटर्न बने हुए होते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और हमारी बाइसिकल या फिर गाड़ी रुक जाती है। सिंपल यही बताया गया है। इसके बाद ये भी बताया गया है कि फ्रिक्शन रोकने के लिए लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं। आपने कभी कबड्डी खेलते हुए किसी को देखा है, वो क्या करते हैं, अपने हाथों पर मिट्टी लगा लेते हैं जिससे कि जो उनका अपोनेंट है, उनके अपोनेंट क्या करते हैं, तेल लगा के आते हैं जिससे कि कोई पकड़ ना पाए हमें। तो अपने अपोनेंट को पकड़ने के लिए वो मिट्टी लगा लेते हैं अपने हाथों पर जिससे कि फ्रिक्शन क्रिएट हो पाए, क्योंकि मिट्टी का आपने सरफेस देखा होगा ऊंचा नीचा, कहीं कहीं पर मिट्टी ऊंची होती है, कहीं कहीं पर नीची होती है। तो इस वजह से वो लोग मिट्टी लगा लेते हैं और तब वो कबड्डी खेलते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती और कभी कभी हमें अच्छा भी नहीं लगता फ्रिक्शन, तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड? यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ अ डोर, द डोर मूव्स स्मूथली। बाइसिकल एंड अ मोटर मैकेनिक uses grease between the moving parts of these machines. In all the above cases, we want to reduce friction in order to increase efficiency. तो यहाँ पर आपने कभी कभी जब कैरम बोर्ड हम लोग खेलते हैं तो कैरम के ऊपर एक वाइट कलर का पाउडर डालते हैं हम लोग, वाइट या पिंक कलर का पाउडर डालते हैं जिससे कि क्या हो, फ्रिक्शन कम हो, जिससे कि हमारी जो कैरम खेलने की स्पीड है वो बढ़ जाए, हम लोग फुल पावर से कैरम खेल पाएँ। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि कभी कभी जो हमारे घर के गेट या दरवाजे होते हैं उनसे बड़ी अजीब सी आवाज़ें आती हैं, तो उनको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको रोकने के लिए हम लोग उनको ऑयल लगा देते हैं, उनके अंदर ऑयल डाल देते हैं।
तो ऑयल डालने से क्या होता है, वो स्मूथ हो जाते हैं और फ्रिक्शन क्या होता है, कम क्रिएट हो पाता है। तो कहीं कहीं केसेस पे ऐसा भी बताया गया है कि हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो हम लोग उसको किस तरीके से रोकते हैं। इसी तरीके से गाड़ियों के अंदर भी बहुत जगह ग्रीसेस वगैरह अप्लाई करी जाती है, बाइसाइकिल के अंदर ग्रीस अप्लाई करी जाती है। When oil, grease or graphite is applied between the moving parts of a machine, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other. Interlocking of irregularities is avoided to a great extent. Movement becomes smooth. The substance which reduces frictions are called lubricants. In some machines, it may not be advisable to use oils as lubricant. एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में ये भी बताया गया है एग्जैक्ट डेफिनेशन, जो हम लोग ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं। अब ये ऑयल्स जितने भी हो गए, ये इनका काम क्या हो रहा है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रीस हो गया या फिर ऑयल जो हमने गेट के अंदर डाला है वो हो गया, ये सब क्या काम कर रहे हैं, ये लोग फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं, फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, इन सब का ही नाम क्या रख दिया, ल्यूब्रिकेंट्स। मतलब ल्यूब्रिकेंट्स वो ऑयल हो गए या फिर ग्रीस हो गई, इन सबको हमने ल्यूब्रिकेंट बोला है। और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शंस आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स। मतलब वो वाले सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को कम करते हैं, उन्हें हम लोग ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ल्यूब्रिकेंट। तो क्या हम फ्रिक्शन को जीरो पर भी लेकर जा सकते हैं, अगर हम कहीं पर बहुत ही ज़्यादा तेल डाल दें तो? फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, सम इररेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर। तो हम लोग कंप्लीटली फ्रिक्शन को नहीं हटा सकते, नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। जो व्हील्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड other pieces of luggage fitted with roller, even a child can pull such pieces of luggage. Why is it so? Let us find out. तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत भारी भारी bags होते हैं या attaches होती हैं, जिनके पीछे ऐसे गोल वाले roller लगे होते हैं या wheels लगे होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं। और जब हम लोग इन्हें बच्चे भी खींचने की कोशिश करते हैं तो भारी से भारी bag उसको खींच पाते हैं, लेकिन जब यही रोलर खराब हो जाते हैं या नहीं होते जिस बैग के अंदर, तो उसको बच्चे क्यों नहीं खींच पाते, देखते हैं हम लोग। टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल, प्लेस अ थिन बुक ओवर इट, नाउ पुश द बुक, यू विल ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग ऑन द बुक, यू विल ऑब्जर्व पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव्स, डू यू फील इट इज ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे then to slide it. Do you think that resistance to the motion of the book has been reduced? Have you seen heavy machinery being moved by placing logs under it? तो यहाँ पर यही एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हमें एक बुक ले लेनी है और उसके नीचे गोल गोल पेंसिल, जो गोल होती हैं पेंसिल्स, उनको रख देना है उसके नीचे, तीन चार पेंसिल्स को हमें उसके ऊपर से बुक को मूव करना है। तो जब हम उसके ऊपर से बुक को सरकाएंगे या फिर हटाएंगे, थोड़ा वहाँ से मूव करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ही आसानी से बुक मूव करेगी, बिल्कुल भी उस बुक को मूव करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा फिजिक्स का रूल पता चल रहा है कि फिजिक्स क्या कर रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करिए, नाउ पुश द बुक, यू हैव ऑब्जर्व, डू यू फील इट इज to move, do you think that the resistance, जो resistance है to the motion of the book has been reduced, मतलब resistance क्या हुआ है, reduce हुआ है, मतलब जो रुकावटें हैं उस book के रास्ते में, जो आती रुकावटें, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं। ठीक है, अभी आपको topic थोड़ा समझना नहीं है, just आपको detail दी गई है, इसकी detail हम लोग लेंगे और समझेंगे बड़ी classes में। When one body rolls over the other surface on another body, the resistance to its motion is called the rolling friction. तो यहाँ पर rolling friction के बारे में बताया गया है कि जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो जो उसका resistance है वो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है जब हम लोग किसी सर्कुलर चीज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर resistance क्या होता है, resistance होता है रुकावट, मतलब जो उसकी रुकावट होती है, जो उसके रास्ते की रुकावट हो गई, उसकी बात हो रही है resistance कि जब हम लोग वर्ड रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। तो
रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, और रोलिंग जब हम लोग किसी घूमने वाली चीज़ को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर, मतलब किसी चीज़ को एक जगह मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय कि हम लोग उसे रोल करें। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल है बच्चों ये देखिए, हाँ तो एग्जांपल है बच्चों हमारा ये, ये ठीक है, और एक एग्जांपल है हमारा ये, तो यहां पर मैंने दो चीजें बनाई हैं, आपको दो चीजें बिल्कुल क्लियरली दिख रही हैं। अब ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें क्या हैं, ये है बस और ये है हमारी कार। अब आपको बताना है कि कौन सी चीज मूव आसानी से कर पाएगी। अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों में से आपको मूव कराना है किसी चीज को, तो कौन सी चीज आसानी से मूव कर पाएगी, आई होप आपका आंसर एक ही है कि सर ऑब्वियसली बस बहुत जल्दी और आसानी से मूव कर पाएगी। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि बस के जो टायर्स हैं वो रोल हो रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, देख रहे हो बस के टायर्स रोटेट कर रहे हैं, रोल हो रहे हैं ऐसे और ऐसे, क्या कर रहे हैं वो घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर हमने इसको ले लिया बॉक्स को, तो बॉक्स जब रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो इसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन वाली फोर्स को इसको फेस करना पड़ेगा, जबकि जो हमारी बस के टायर हैं वो बहुत ही आसानी से घूम पाएंगे। तो यही हमें एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और रोलिंग से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। It is always easier to roll than to slide body over another. This is the reason it is convenient to pull the luggages fitted with rollers. Can you now understand why wheels is said to be one of the greatest invention of mankind? तो इसी वजह से जो ये wheels होते हैं, जो पहिए होते हैं गोल गोल, इनको बहुत बड़ी invention माना जाता है mankind की, क्योंकि इससे हम लोगों ने क्या करा है, बहुत ज़्यादा reduce कर दिया है friction को। और इसी वजह से जो हमारी ट्रॉली बैग्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर क्या लगे हुए होते हैं, इनके अंदर व्हील्स लगे हुए होते हैं। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब जो स्लाइड करने वाला फ्रिक्शन था, जो खींचने वाला फ्रिक्शन था, उससे क्या चीज़ कम है, हमारा रोलिंग वाला फ्रिक्शन। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। Common example are the use of ball bearings between hubs and axles of ceiling fans and bicycle. तो इसी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह मशीनों के अंदर भी क्या यूज़ कर दिया, रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब गोल गोल घूमने वाली चीज़ें लगा दी, जिससे कि आसानी से चीज़ें मूव कर सकें। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन, और इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश है। फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर बच्चों ये बताया गया है, यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन, येट इट एग्जर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एग्जर्ट फोर्स ऑन फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड्स। तो गैस और लिक्विड्स को हम लोग क्या बुलाते हैं ज्यादातर साइंस के अंदर, fluids. So we can say that fluids exert force of friction on an object in motion through them. The frictional force on an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid. The frictional force also depends on the surface of the object and the nature of the fluid. It is obvious that when
ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू फ्लूइड दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम. इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, सो देयरफॉर आर गिवन अ स्पेशल शेप. वेयर डू यू थिंक द साइंटिस्ट गेट्स हिंट फ्रॉम दीज स्पेशल शेप्स? फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स. बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड ऑल द टाइम. दीज बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व्ड टू द शेप विच वुड मेक देम नॉट टू लूज मच एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन. यू रीड अबाउट दीज शेप्स इन क्लास 6th. लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एरोप्लेन. डू यू find any similar in its shape and that of a bird? In fact, all the vehicles are designed to the shape with reduced friction. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक example दिया गया है कि friction कहाँ कहाँ पर present है. Friction fluids के अंदर भी present है, मतलब हवा के अंदर भी और पानी वाली चीज़ों के अंदर भी. अच्छा सर, तो इस चीज़ के लिए हमें क्या समझना है? तो इस चीज़ के लिए आपने बहुत बारी देखा होगा aeroplanes को. Aeroplanes के अंदर आपने ये shape देखी है, आगे कैसा होता है, आगे बड़ी पैनी सी शेप होती है इनके अंदर. और जो इनकी शेप है वो किससे कॉपी करी गई है? वो कॉपी करी गई है एक बर्ड से, क्योंकि साइंटिस्टों ने अंडरस्टैंड करा कि जब एक बर्ड उड़ती है तो एक बर्ड को इतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं करना पड़ता. मतलब ये तो बहुत छोटी सी बर्ड है और बड़ी आसानी से हवा के अंदर उड़ पा रही है, क्योंकि इसको फ्रिक्शन फोर्स नहीं करना पड़ रहा, प्रॉब्लम फोर्स नहीं करनी पड़ रही. तो उसी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने क्या करा, एरोप्लेन की शेप बना दी. तो यही हमें बताया गया है इस चैप्टर के अंदर. इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है बॉल बेयरिंग्स के बारे में, ड्रैग के बारे में, फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में, इंटरलॉकिंग के बारे में, लुब्रिकेंट्स, रूलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन. इसी के साथ साथ बच्चों, एक आपको होमवर्क देना चाहता हूँ. जितने भी इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके आंसर जो भी कमेंट सेक्शन में सही करेगा, उसके कमेंट को मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, पिन करने वाला हूँ और एक हर्ट भी देने वाला हूँ. तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. और एक और चीज कि स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और मन्नू से ज्ञान लेते रहो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.